तो दोस्तों, अगर आप भी Realme Narzo 50A डिवाइस यूज करते हैं और आप भी अपने डिवाइस का पासवर्ड किसी भी कारण से भूल गए हैं, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूं आप अपने डिवाइस में यहां पे पासवर्ड को कैसे यहां पे जो है रिमूव कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का यूज जो है आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपना डिवाइस में मतलब भूल गए हैं तो ही आप इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। ठीक है, और मे बी जो है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज से है। ठीक है, और यहाँ पे बस जैसे होता है ना, कई सारे जो यहाँ पे यूजर हैं कभी कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, ऐसे में उनको जो है दुकान से जो है यहाँ पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कैसे आप अपने डिवाइस में जो पासवर्ड है अगर भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, इसमें आपका डेटा पूरी तरीके से जाने वाला है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स का लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो देख सकते हैं पासवर्ड हम भूल चुके हैं इस डिवाइस का। ठीक है, और फिलहाल ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एजुकेशन पर्पज से है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं भी यहाँ पे पासवर्ड भूल गया हूँ, तो अभी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो सिंपल आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करना है पावर बटन को। ठीक है, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद देखिए अभी पासवर्ड मांग रहा है, मैं आपके सामने ही यहाँ पे इसको यहाँ पे जो है सब कुछ करने वाला हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ से हम इसको पावर ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब विदाउट पीसी के आप कर पाएंगे, यहाँ पे आपको पीसी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए तो यहाँ पे पावर वाला बटन, वॉल्यूम डाउन बटन को सेम टाइम में ऐसे प्रेस कर देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं हमने सेम टाइम में प्रेस किया, जैसे आप सेम टाइम में प्रेस करेंगे तो नीचे आपका रिकवरी मोड लिख के आ जाएगा, देख सकते हैं ये आ रहा है रिकवरी मोड। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा जरूर से वेट कर लेना है जैसे ये रिकवरी मोड आपका टर्न ऑन होता है, और रिकवरी मोड टर्न ऑन होगा ना तो उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक कोड आ जाएगा, तो आपको इस कोड को डालना है, मतलब आपके समय में अलग कोड आएगा। ठीक है, मेरे समय में अलग कोड आया, आपके समय में अलग कोड आएगा, तो उस कोड को डालना है, उसके बाद फॉर्मेट कर देना है। जैसे ही आप फॉर्मेट करेंगे आपका डिवाइस यहाँ पे वाइप जो है क्लीनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, बस आपको अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डेटा आपका फॉर्मेट हो गया। हाँ, एक बात और, इसमें आपका डेटा पूरी तरीके से जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान जरूर से रखना है, और डेटा आपका 100% जाने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बता दिया था, और कहीं ना कहीं जो है ये चीज बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा डिवाइस जो यहाँ से हार्ड रीस्टार्ट हो गया है, फिलहाल देख सकते हैं अभी Realme का लोगो आ रहा है, चलिए तब तक वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरा लोगो यहाँ पे मतलब मोबाइल डिवाइस जो है टर्न ऑन नहीं हो जाता तब तक का, देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, अप्रोक्स 5 से 6 मिनट का टाइम लेगा, तो वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस पूरी तरीके से टर्न ऑन हो गया है, अब इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से जो है लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन आएगा, यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से नीचे कर लेते हैं स्क्रॉल, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, और यहाँ से टिक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद वाईफाई का मांगेगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से इसको स्किप कर देते हैं। गूगल के सारे एग्रीमेंट्स आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे साइन इन मांगेगा, इसको स्किप कर देना है, बटन्स पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड फिर से मांग रहा है कोई डालने के लिए, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन कर देना है, आपके सामने आ चुका है Realme UI गेट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पर टैप कर देना है, जैसे आप गेट स्टार्ट पर टैप करेंगे तो भाई यहाँ पे आपका पासवर्ड पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पासवर्ड जो है पूरी तरीके से रिमूव हो गया, वही चीज था जो कि सेम हमको इस Realme Narzo 50A में जो है देखने को मिल रहा था प्रॉब्लम। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं अगर यहाँ से लॉक करता हूँ और अनलॉक करता हूँ, वापस से आराम से जो है हो जा रहा है, देख सकते हैं ये आराम से कोई पासवर्ड ही नहीं मांग रहा। तो इस तरीके से जो है आप भी अपने डिवाइस में जो है पासवर्ड को जो है यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। होपली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर से, और वीडियो को यहाँ पे ड्रॉप करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।